हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो शाम का टाइम होने जा रहा है, देख सकते हैं। और हम लोग अभी सब्जी सब बनाने के लिए काट रहे हैं। देखिए लौकी की सब्जी, और राधा घर सब झाड़ू कर रही थी और पीछे भाग गई है ताकि मैं ना दिखूं बोल के। हर रोज हम लोग इतना जल्दी सब्जी सब नहीं काटते हैं और बनाते भी इतना जल्दी नहीं है, लेकिन अभी गर्मी सीजन आ गया ना, तो तुरंत से बनाने के बाद खाने मन नहीं करता है। हम सबको पता है कितना गर्म लगता है और खाने भी मन नहीं करता है, इसलिए हम लोग अभी में बना देंगे ताकि बाद में ठंडा होते रहेगा तो खाने में उतना दिक्कत नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात तो है कि दाम मंडी रहेगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि दाम मंडी ये गर्मी सीजन के लिए बहुत अच्छा है। उधर रुई बरी अपना बर्तन धोने के लिए अभी पानी भर रही है और राधा अभी उधर पानी दे रही है। ये ओ अच्छा, ये उसका उसका हीरो आया है डीजे। मैंने पहले वीडियो पर आप सबको बताया था ना, वो डीजे उसका हीरो है बचपन का, जो राधा बहुत खुश से दो दिन से, क्योंकि अभी डीजे इधर ही में है दो दिन से। ये डीजे और एक ट्रिक उड़ू आधा नहीं अरे ऐसे नजर से देखते हो, इतना गर्मी लग रहा है गाइस, लेकिन फिर भी एक हवा, मतलब थोड़ा सा हवा तक नहीं आ रहा है, देख सकते एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, शांत है। और ये वाला हड़िया चावल बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको चढ़ाए हैं। अभी तक तो इसमें चावल नहीं डाले हैं। और राधा तो अभी झाड़ू कर रही है क्योंकि आंगन भी तो साफ करना है, शाम को कितना गंदा हो जाता है और दिन भर तो इतना हवा आते रहता है ना गरम गरम, और जिसकी वजह से पूरा पत्ता सब आ जाता है और धूल सब आ जाता है तो गंदा हो जाता है। कैसे हंस रही है। हम लोग की जो रुईबरी मई है वो 24 घंटा हंसते रहती है, उसको डांटिएगा तो भी हंसेगी और उसको रोएगी तो भी हंसेगी, रोने के साथ साथ हंसती भी है, इसीलिए लड़का लोग उसको बहुत पसंद करता है। गोदाम जगह जब भी रहती है तो लड़का लोग बहुत तारीफ करता है उसका। अच्छी रुईबरी कहाँ गई, बहुत धूल हो गया बोल के अभी इसमें थोड़ा हम लोग पानी छिड़काव कर रहे हैं, डीजे छिड़काव कर रहा है उधर से। ओ निपा में से उबाए ना, निपा दो। और रात को इसके ऊपर ये लोग सोती है, ये राधा लोग। क्योंकि घर में रात को अचानक से अगर लाइट चला जाता है तो फिर गर्मी से अकबकी टाइप का लगता है, तो इसलिए ये लोग सीधा बाहर में सोती है ये गाड़ी के ऊपर में। गांव सब में हम लोग देखते होंगे कि ऐसे शाम होने के बाद बहुत सारा मुर्गा मुर्गी लोग आता है आंगन जगह, और जहाँ जहाँ वो लोग रहता है वहाँ घुसने के लिए वो लोग जगह खोजते रहता है, लेकिन मेरे घर में इससे कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग का जो मुर्गा मुर्गी सब है ना, एक भी नहीं है, बस एक ही मात्र है जो रात को बहुत परेशान करता है हम लोग को, ढूंढते ही माए
अभी हम लोग का एक भी नहीं है मुर्गा मुर्गी सब, क्योंकि वो जो एक बीमारी आता है रोगो बोलते हैं जिसको, वो आता है ना तो पूरा जो मुर्गा मुर्गी सबको सब खत्म कर देता है और रोगों से मर जाता है। तो हम लोग के पास भी ऐसे ही बीमारी आया था और सबको मार के ख़त्म कर दिया और एक भी नहीं बचा। वो जो एक बच्चा है उसको तो हम लोग खरीद के लेके आए थे, भैया खरीद के लेके आए थे पूजा करने के लिए कुछ, तो वही फिर बाद में हम लोग पूजा नहीं किए, वही एक मात्र हम लोग का बच्चा है और खत्म फिनिश शार्प हो गया। तो चलिए अभी सब्जी बनाते हैं, क्योंकि वो जो दो लड़का आए हैं जिसके बारे में हम बता रहे थे डीजी, और वो और एक जन उसका नाम जुकड़ू, क्या नाम है, त्रिकड़ू, हाँ, तो वो दोनों उधर मेरा मामी लोगों का घर बन रहा है तो उधर ही वो दोनों अभी पहरा देने के लिए वो दोनों उधर जाएगी, क्योंकि उधर में मोटर सब लगा दिया है तो चोरी वोरी हो जाएगा बोल के, तो उधर देख रेख करने वो दोनों जाएगा। तांबो तरफ तो बहुत दूर है ना, तो पैदल ही जाएगा, तो इसलिए हम लोग अभी मैं सब्जी बना देते हैं और तुरंत से खा के वो दोनों उधर चल जाएगा। तभी कढ़ाई को गरम होने देते हैं फिर बनाते हैं ये सब्जी। तो साथ में ये चना भी मिक्स करेंगे, चना के साथ बनाएंगे। चना के साथ बनाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए हम लोग जब भी बनाते हैं तो चना के साथ बनाते हैं। तो बाबू अपना गाड़ी निकाल चुके हैं, अभी कहाँ जाने वाले हैं। ए कौन से नाम, हाँ बाबू, ये भी जब भी जाता है तो रोड तरफ ही जाता है। इन पका वापस दो चला। अभी जाके बाहर में थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा हवा आ रहा है तो पसीना सब सूख जा रहा है। हाया हो रहा है बाबू, अलो नू चबाए बने तना आजा नू चबा तब तम एंते इमाइम डबा चिंगना। तो फ्रेंड्स, कोई था जो हमको पूछ रहा था कि आप टोंटो गांव के हैं क्या, बोल के तो मैं उसको बता दूं कि मैं टोंटो गांव की तो नहीं हूँ, मेरा तो गितिलती गांव है। और आप लोग एक ही सवाल क्यों करते हैं, एक ही टाइप के सवाल, जैसे आपका गांव कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, बहुत सारे लोग। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मेरा गांव, तो अगर जो कोई भी अगर मेरा गांव के बारे में जानना चाहता है कि मेरा गांव का नाम क्या है, तो आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए गए थे, तो उसका मैं जवाब दी हूँ उसमें, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। कितना गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कोई जगह का नाम बताइए जहाँ घूमने लायक हो, ऐसे गर्मी में जहाँ सुकून मिल सके, ठंडक मिल सके और साथ ही साथ आनंद, तो बताइएगा कोई अगर ऐसे जगह है। मुझे बहुत दिन से घूमने मन कर रहा है पर इतना गर्मी में कोई जाने भी नहीं खोज पाया, क्या करें। तो
तो गाइस देखिए सूजी बन गया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। हाय करो, दुका हाय, जोर से करो, पा कर दो, चलो पा कर दो, सबको पा कर दो, चलो पा कर दिया सबको बाबू। ऐसे करो, ऐ निकलते चिक 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 चिक, बाय बाय करो, बाय 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 करो, चलो और एक बार बाय।